नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ही सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करूंगा जिनमें काफी अच्छा ब्रेकआउट है, काफी अच्छे लेवल है एंट्री के लिए, और मैंने करीब आज 50+ से ज्यादा ब्रेकआउट स्टॉक देखे, आइडेंटिफाई किए, बट उनमें से ये दो स्टॉक अच्छे लगे। और साथ में मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा, कौन से लेवल पर। और साथ में आप भी फिर वीडियो को पूरा देखने के बाद बता सकते हो कि दोनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा एंट्री करने के लिए। दोनों स्टॉक में से एक स्टॉक तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, दूसरा स्टॉक है जो अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट से 350 पॉइंट दूर है। सो वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा सुनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन देखिए अभी वैलिड है, लास्ट वीक भी बताया था, इसके ऊपर निकलेंगे तभी बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होगा। और 17600 के नीचे निकलते ही आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी, और वही हमें देखने को मिला। नेक्स्ट वीक के लिए अगर निफ्टी 17400 के नीचे जाता है तो फिर 17000 के लेवल तक भी जा सकता है। 17000 एक अच्छा वहां पर एक सपोर्ट का जोन होगा, बाइंग का कैंडिडेट होगा। अगर 17400 नहीं टूटता है तो ऊपर अगर 17600-650 के ऊपर निकलेंगे तभी उसमें फ्रेश एक मूवमेंट बनेगा ऊपर की साइड में। तो निफ्टी के लेवल वॉच रखे, 17400-17600 के बीच में काफी कुर्सी लेवल है, इसके नीचे हम नीचे जाएंगे, 17600 के ऊपर ऊपर जाएंगे। बैंक निफ्टी का भी दोस्तों चार्ट कुछ लगभग वैसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन अभी वैलिड है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। ये लेवल करीब 38000 के बैंक निफ्टी के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी ये 39000 तक जाएगा, और अगर कंटिन्यू इसके नीचे रहता है तो फिर से ये 36700 तक जा सकता है इमिडिएटली शॉर्ट टर्म, और थोड़ा बड़े टाइम के लिए ये फिर 35500 तक भी जा सकता है, और ऊपर 38000 के ऊपर निकलेगा तो 39 और 41000 की जर्नी भी स्टार्ट हम देख सकते हैं। दोस्तों ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के तौर पर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बताए, इंट्राडे में जो लेवल होते हैं वो अलग होते हैं। तो दोस्तों अब आप बात करते हैं आप आज के चार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टॉक से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों फर्स्ट हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक का नाम है नाहर इंडस्ट्री एंटरप्राइज। ये स्टॉक देख करके आपको कुछ याद आ रहा है कि रिसेंटली जो मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टॉक ऐसा ही चार्ट दिखाई दे रहा था और वो स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था। वैसे तो रिसेंटली मैंने काफी आपके साथ स्टॉक डिस्कस किए, जैसे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट वो देखिए स्टॉक 250 से 300 हो गया, जीएनएफसी स्टॉक डिस्कस किया था, डीएसएसएल स्टॉक डिस्कस किया, काफी ऐसे स्टॉक डिस्कस किए जो काफी उनमें काफी अच्छे मूवमेंट और काफी करीब किसी में स्टॉक में 30% 40% 50% तक के भी रिटर्न मिल चुके हैं। और कोई स्टॉक अगर नहीं चला तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर ये स्टॉक नहीं चला इसका क्या करना है। बट और स्टॉक का नाम पूरा लिखने के बाद साथ में आप क्या करते हो कि सिर्फ स्टॉक का नाम लिखते हो, मुझे ये नहीं पता चलता कि आप उसके बारे में क्या पूछ रहे हो, कि आपने एंट्री ले रखी है या पर एग्जिट होना चाहते हो, क्या उसके बारे में पूछ रहे हो, क्या व्यू पूछ रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में जब भी आप किसी स्टॉक के बारे में पूछते हो तो स्टॉक के बारे में पूरा पूछें, डिटेल में बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हो, सिर्फ खाली स्टॉक का नाम मत लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्टॉक से रिलेटेड जो मैंने अभी रिसेंटली स्टॉक डिस्कस किए थे जो उसमें से एक स्टॉक ऐसा ही कुछ चार्ट दिखाई दे रहा था, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप जरूर पहचान गए होंगे, नहीं पहचाने तो मैं बता देता हूँ वो स्टॉक था देखिए जीएनएफसी। जीएनएफसी में भी सेम कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा था। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये क्या कर रहा था, लोअर लो बना रहा था, जो पिछले वाले लो उसको ब्रेक नहीं कर रहा था, और मैंने आपको यहाँ पर 500 के लेवल पर इसमें चार्ट ऑफ द वीक में ये कवर किया था, और ये देखिए 500-550 के लेवल पर उसके बाद एक बार फिर से ये आपको रिकमेंड दिया था, दो बार ये चार्ट ऑफ द वीक में मैंने आपके साथ लगातार डिस्कस किया था। और ये देखिए स्टॉक 500 वाला कहाँ 850+ चला जा चुका है, यहाँ पर इसको बाय नहीं करना, यहाँ से इसमें करेक्शन आ सकता है। बट मैं आपको चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए सेम चार्ट, उससे पहले साथ में आपको ये बताता हूँ कि इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग और भी था कि यहाँ पर ये देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिया था इसने, 2017-18 के लेवल थे ये, मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी था यहाँ पर 550 के पास। अब आप देखिए नाहर इंडस्ट्री
के चार्ट को देखिए, ये दोस्तों टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। जो दूसरा स्टॉक करूंगा वो भी इस इंडस्ट्री से है। पहले चार्ट को समझे, ये देखिए पहले इसने यहाँ बॉटम बनाया था 38 के लेवल पर, उसके बाद फिर यहाँ बॉटम बनाया 105 के लेवल पर, फिर रिसेंटली इसने बॉटम बनाया 140 के लेवल पर। तो पिछले वाले जो बॉटम रहा है उसको ब्रेक नहीं कर रहा, जब बॉटम रहता है तो वहां पर जरूर काफी समय लेता है, उसके बाद फिर ये मूव देता है। साथ में इसमें आप देखोगे कि इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल 2017 का था 150 का, तो 150 का लेवल इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था, 200 के लेवल तक गया, फिर नीचे फिर ये 140 के लेवल के तक आया। यहाँ पर मीन्स इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पर इसने एक अच्छी कैंडल बनाई, फिर ऊपर की जर्नी इसने स्टार्ट की, थोड़ा स्लो हुआ फिर चला। तो ये जो दोस्तों स्लो होता है, यहाँ पर ये बाइंग होती है, यहाँ पर बाइंग चल रही होती है क्योंकि एक रैली बनती है, फिर बेस बनता है, फिर रैली स्टार्ट होती है। आप दोस्तों अगर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हो तो वहां पर आपको काफी लर्निंग वीडियो, लर्निंग पोस्ट आपको मिलते रहते हैं, जरूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस स्टॉक में मूवमेंट देखिए अब क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे अगर आप फंडामेंटल चेक करोगे तो इसमें रिजल्ट लास्ट 3 ईयर से ये माइनस में था, रिजल्ट अभी पॉजिटिव में आ रहे हैं इस साल, और कंपनी अपना डेब्ट भी कम कर रही है, और क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छे इम्प्रूव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक मिलेगा फायर का, यहाँ पर हमने रिसेंटली उनके साथ टाइप किया, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है वैसे उसमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, और भी काफी बेनिफिट है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से ओपन करते हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने का चांस मिलेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम पर भी हम काफी पोस्ट शेयर करते रहते हैं, लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स और लाइव चार्ट भी शेयर करते रहते हैं, तो टेलीग्राम का भी फायदा उठाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर रखा है तभी आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। इसमें दोस्तों अगर आप टारगेट की बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से तो 240 और 295 का टारगेट आता है शॉर्ट टर्म के, और अगर एंट्री की बात करें तो अगर इन केस आपको ये 180 के पास भी मिल जाता है, 165 के पास मिल जाता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा, फिर उस लेवल को आप मिस मत करें, जरूर इसमें एंट्री करें। तो इसमें अपना कैपिटल बचा के रखें, अगर नीचे का लेवल मिलता है तो जरूर ऐड करें। दोस्तों दूसरे स्टॉक का नाम है चार्ट ऑफ द वीक KITES काइटेस गारमेंट्स लिमिटेड। ये भी दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही स्टॉक है। इसमें दोस्तों प्रमोटर्स अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं लगातार लास्ट 3 क्वार्टर से, और प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रही है, और जैसे वो स्मॉल कैप था उसका मार्केट कैप था 800 के करीब नहर इंडस्ट्री का, और यहाँ पर काइटेस का है करीब 2000 करोड़ के करीब। तो दोनों स्मॉल कैप से मीन्स दोनों स्मॉल कैप में ही काउंट होते हैं, और दोनों में प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं चार्ट, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये चार्ट है दोस्तों देखिए 28 फरवरी 2022 तक। ये मैंने आपका एक बार इसलिए बाकी का हाइट किया है क्योंकि आप देखोगे ये जो यहाँ पर 2 कैंडल का सेटअप बना था, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप जान गए होंगे, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो अगर आपको ये पता है कि ये 2 कैंडल का सेटअप कौन सा है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि कौन और किसकी लर्निंग कैसी है। तो ये 2 कैंडल का सेटअप आपने बताना है क्योंकि इसके बाद इस सेटअप के बाद आप देखोगे तो स्टॉक का मूव आप देखिए, ये देखिए ये 2 कैंडल का सेटअप बना था, ये 2 कैंडल का प्रॉपर सेटअप है, इसके बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल बनी, यहां पर आप ये देखिए यहां लाइन लगा सकते हैं, इसके बाद स्टॉक ऊपर निकला और ये देखिए कैसे वन साइडेड 250 वाला देखिए 300 प्लस स्टॉक चला गया। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहां पर इन केस मिस कर दिया, बट यहां पर ये देखिए ये जो मूविंग एवरेज है ये 21 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आप उसमें देखोगे तो नहर में भी ये मैंने आपके साथ देखोगे ये यहां पर आप देख सकते हो कि ये जब 21 डेज की मूविंग एवरेज के पास आता है स्टॉक तो इसमें सपोर्ट लेकर फिर से ये वीकली चार्ट पर 21 डेज पर जब ये सपोर्ट लेता है तो ये ऊपर की सेट फिर जर्नी स्टार्ट करता है, सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। तो सेम ऐसे ही हमें काइटस में देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये मूविंग एवरेज के पास आता है वहां से काफी अच्छा सपोर्ट लेता है फिर चलता है। तो अब इसमें ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी,
इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल, ये देखिए 2015 में काफी अच्छा इसका मूव था 2015 से पहले, और ये इसका हाई बना था यहाँ पर 265 के पास। तो ये देखिए अभी भी इससे 350 प्लस पॉइंट ये दूर है स्टॉक। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें फ्रेश एंट्री कैसे करनी है। फ्रेश एंट्री अगर इन केस आपको ये नीचे डिप्स में मिल जाता है, 260 280 के पास मिल जाता है, तो वहां पर भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, या फिर 21 मूविंग एवरेज, जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज भी थोड़ा ऊपर जाएगा, तो वहां पर भी एंट्री कर सकते हैं, और करंट मार्केट प्राइस पर भी कर सकते हैं। तो इसमें भी नीचे आपको चांस अगर मिलता है तो वहां पर भी ऐड कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर भी इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक, प्रॉफिट ग्रोथ भी है। और इसमें भी आप देखिए कि वॉल्यूम इसमें हमें इंक्रीज फिर से देखने को मिले काफी समय बाद, बट एज कंपेयर कर रहे हैं तो नहार की कंपेयर आप देखोगे तो यहां पर ये जो वॉल्यूम आप देख पा रहे होंगे, ये वॉल्यूम एज कंपेयर काफी समय के बाद इसमें वॉल्यूम के साथ बड़ा मूव आया है। दोस्तों मैं दोनों चार्ट आपके साथ इसलिए रिलेशन करके बता रहा हूं क्योंकि आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा बेटर लग रहा है एंट्री करने के लिए रिस्क के अकॉर्डिंग भी, और मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में भी कौन सा स्टॉक ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग लेने के लिए। तो दोस्तों इसके अगर एंट्री आपको बता दी, टारगेट भी आप देख सकते हैं, इसमें टारगेट आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस लेवल है 320 के पास और फिर है 380 के पास। वैसे इसमें आप देख सकते हो कि मल्टी ईयर इसमें भी ब्रेकआउट का लेवल ऑलरेडी हो चुका है, 2018 का लेवल था ये 197 का, तो यहां पर भी आप देख सकते हो ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं, उसी लेवल पर इसने देखिए ब्रेकआउट दिया था, फिर रिटेस्ट भी हो चुका है, बट 2015 के लेवल अभी भी बहुत दूर है। एक तरह के आप देख सकते हैं कि दोनों स्टॉक 2018 के लेवल पर ऊपर ब्रेकआउट दे चुके हैं, रिटेस्ट कर चुके हैं और मोमेंटम में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्टॉक में ज्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा। देखिए अगर मैं बात करूँ तो काइटस भी मुझे काफी अच्छी प्रेफरेंस है इसमें मुझे एंट्री करने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा नीचे मिल जाता है तो ये बेटर होगा 260 80 के पास, तो मैं इसमें जरूर एंट्री करूंगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्फिडेंस ये भी है कि इसमें प्रमोटर इंक्रीज कर रहे हैं अपने स्टेक को। या फिर मैं दूसरा ये है कि जो दोनों में से स्टॉक मुझे पहले जो डिप्स में मिलेगा मैं उसको जरूर एंटर करना चाहूंगा। बाकी अगर इन केस ये डिप्स में मिलते हैं और मुझे लगा कि डिप्स में ये अच्छे लेवल पर बाई कर सकते हैं, तो मैं तब भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका चार्ट जरूर शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो को डिस्क्लेमर भी है कि मैं सिर्फ आपके साथ लर्निंग और एजुकेशन के माध्यम से आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। किसी भी एंट्री लेने से पहले अपना रिस्क देखें और रिवॉर्ड जरूर देखें, और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।